सागर के केसली में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने रैली निकालकर प्रदेश के राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अतिवृष्टि के कारण हुए फसल और मकानों के नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग रखी है। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि अतिवृष्टि और तेज हवा के कारण किसानों की फसलें, कच्चे मकान, कुआं क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही सर्वश्रेष्ठ दुर्घटना मृत्यु कुएं में डूबने से जनहानि सहित अन्य नुकसान का सर्वे करवाकर राहत राशि प्रदान की जाए। इसके साथ ही खाद्य सामग्री की वस्तुओं पर लगाया गया जीएसटी वापस लिया जाए। इसके साथ ही उपभोक्ताओं से जबरदस्ती वसूली के नाम पर विद्युत कटौती की जा रही है। खरीफ और रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए बंद पड़ी विद्युत सप्लाई चालू की जाए। इसके साथ ही कमेटी ने अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच के साथ ही अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सर्वे के नाम पर जो जायज हक हमें मिलना चाहिए, जिनका नुकसान हुआ उनको ना मिलकर देकर बिचौलियों को देने का काम दलालों के माध्यम से बाहर राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। मैंने आज आगाह किया है कि शासन के निर्देश हैं कि वास्तविक सर्वे हो, स्पॉट पर किसान के सामने सर्वे हो और उसका मूल्यांकन करके ज्यादा से ज्यादा राशि हमारे किसान पीड़ित जो किसान है उनको मिले, इसके लिए हमने मेमोरेंडम दिया है।